गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, कई दिनों से ये आपकी डिमांड आ रही थी कि सर जो खंड ए है उसकी इकाई चार का जो चैप्टर फाइव है वो पढ़ाओ। तो आज अपने उसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है अपने सामाजिक आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। देखो अपने पॉलिटिकल के इस चैप्टर के बाद में सिर्फ एक चैप्टर बाकी रहेगा, वह है राजनीतिक सहभागिता वाला। बाकी सारे चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आप वहां से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो अपने बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक न्याय की। देखो ये सामाजिक न्याय है ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? देखो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको अपने अपने लैंग्वेज में समझाए ना तभी आराम से बच्चों के समझ में आ सकते हैं। बाकी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये आपके समझ में नहीं आएंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी तरह से इनको समझाने का कोशिश करूं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द है, सामाजिक और न्याय। सामाजिक का मतलब तो हो गया समाज में रहने वाले लोग, उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक। और न्याय का मतलब हो गया उन लोगों के मध्य क्या समानता, स्वतंत्रता और किसकी अधिकारों की क्या करना, स्थापना करना। सामाजिक न्याय जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है सामाजिक, जो समाज के लोगों को दर्शाता है। दूसरा है न्याय, न्याय का मतलब हो गया समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की क्या करना, स्थापना करना। इस आधार पे अपने अगर अर्थ निकाले तो ये कह सकते हैं कि समाज के सभी लोगों में समान रूप से समानता, स्वतंत्रता व अधिकारों की स्थापना करना ही क्या है? सामाजिक न्याय। अब देखो अपने भारतीय संविधान की बात करें, अपने भारत का संविधान जो है उसमें भाग चार देखो याद करो, आपको पढ़ाया होगा मैंने भाग चार, जब मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। भाग चार में अपने क्या है? नीति निर्देशक तत्व है और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में अपने सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो अपने अर्थ की बात करें कि सामाजिक न्याय होता क्या है। देखो सीधा अर्थ तो आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि देखो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया? समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ, चाहे वो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, उन सभी व्यक्तियों के मध्य किनकी स्थापना करना? समानता, स्वतंत्रता व अधिकारों की क्या करना? स्थापना करना। तथा उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो गरिमा है, उनका जो मान सम्मान है, उसको क्या देना? महत्व देना। यही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। मतलब सभी लोगों को क्या समझो? इक्वल समझो। सभी लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करो। सभी लोगों की प्रतिष्ठा का महत्व दो। सभी लोगों की गरिमा को महत्व दो। सभी लोगों का मान सम्मान करो। सभी लोगों का आदर करो। सभी को समानता दो, स्वतंत्रता दो, सभी के अधिकारों की स्थापना करो। यही क्या है? अपने सामाजिक न्याय है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां पर देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखो सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? कैसे समाज की स्थापना करना? समता मूलक समाज की स्थापना करना, अर्थात जहां पे सभी लोग क्या हो? समान हो। ऐसे समाज की स्थापना करना ही सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना में प्रमुख बाधा क्या है? देखो आपको मैंने जो पढ़ाई थी ना अपने जातिवाद,
सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये सब जो है ना वो सामाजिक न्याय की स्थापना में क्या है प्रमुख बाधाएं हैं। देखो, अगर अपने भारतीय इतिहास की बात करें तो अपने भारतीय इतिहास में कई सदियों पहले से ही कई समाज सुधार है, कई अपने लोक देवता ऐसे हुए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया है। अपने ईस्वी की बात न करके अगर ईसा पूर्व की भी बात करें, अपने महात्मा बुद्ध, आपके महावीर स्वामी, आपके फिर आपके समाज सुधारकों में से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आपके विवेकानंद, इसके अलावा लोक देवताओं में आपके सबसे फेमस जो रामदेव जी, गोगा जी, ये ऐसे लोक देवता भी है जिन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की स्थापना के ऊपर क्या दिया है, जोर दिया है, सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया है। देखो, अपने भारतीय संविधान जो है, इस संविधान के एक तो भाग चार हो गया, भाग चार जो है इसमें भी अपनी सामाजिक न्याय की बात कही गई है। इसके अलावा अपने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं वहां के समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ऐसे कहा गया है। प्रस्तावना देखें ना, प्रस्तावना की शायद चौथी या पांचवी पंक्ति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का क्या है, उल्लेख है। इसके अलावा अपने मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार वाला चैप्टर अपने पढ़ा था, मूल अधिकारों में जो समानता का मूल अधिकार है अपने अनुच्छेद 14 से लेकर 18, उनमें भी अपने किसका उल्लेख है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है। इसके अलावा अपने अनुच्छेद 36 से 51 जिसमें आपके नीति निर्देशक तत्व है, उन नीति निर्देशक तत्वों में भी अपने क्या है, समानता का उल्लेख है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होगा कि आप सभी के साथ में समान व्यवहार करो, मतलब जो पिछड़े वर्ग रहे, जैसे अपने SC ST OBC या अन्य जो दलित जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन जातियों को अपने यहाँ पे आरक्षण है, लेकिन वह आरक्षण क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जातियाँ जो है वो अन्य जाति के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी है, तो इसको भी अपने क्या कहेंगे, एक प्रकार से सामाजिक न्याय कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनको आरक्षण नहीं दिया जाता तो ये जातियाँ जो है वो अदर कास्ट के मुकाबले काफ़ी पिछड़ जाती। अपने SC ST OBC इनको आप देखो, नौकरियों में देख लो, आप विधायिका या संसद में देख लो, इनको क्या मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, इनको छूट मिली हुई है। अपने संसद की बात करें तो अपने SC को 84 और ST को 47 सीटें जो है वो अपने आरक्षित करके दी हुई है। क्लियर है इतनी बातें? अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की प्रकृति। देखो, सामाजिक न्याय की प्रकृति ये कहती है कि समाज में रहने वाले सभी लोग जो है वो कैसे है, समान है। समाज में रहने वाले सभी लोग समान है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भाषा, संप्रदाय, लिंग को मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सभी लोग क्या है, समान है। किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समान रूप से उनको अधिकार मिलने चाहिए, सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का सम्मान होना चाहिए, उनकी गरिमा का आदर होना चाहिए। यही प्रकृति जो है वो किसकी है, अपने सामाजिक न्याय की है। क्लियर है इतनी बात? एक बार वापस रिपीट करता हूँ, सामाजिक न्याय जो है वो कितने वर्डों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, सामाजिक और न्याय। सामाजिक का मतलब हो गया समाज में रहने वाले सभी लोग, और न्याय का मतलब हो गया समानता, स्वतंत्रता, अधिकारों की स्थापना। इतनी बात क्लियर है? अपने संविधान का भाग चार जो है इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का उल्लेख है। अर्थ की बात करें तो अर्थ हो गया अपने समाज में रहने वाले सभी लोगों के मध्य समता, एकता, मानवाधिकारों की स्थापना करना, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा और उसके मान सम्मान का क्या करना, महत्व देना, उसका आदर करना, उसको सम्मान देना। क्लियर है इतनी बात? मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। उद्देश्य की बात कर ले तो प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया, समतामूलक समाज की स्थापना करना। बाधा की बात करें तो ये प्रमुख जो समस्या है, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये क्या है, प्रमुख समस्याएं हैं।
समाज सुधारक जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की तो उनमें महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, आपके गुरु नानक, कबीरदास, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आपके गांधी जी, आपके रामदेव जी, आपके गोगा जी, ऐसे कई लोक देवता भी हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के ऊपर क्या दिया, जोर दिया। इसके अलावा संविधान की अगर बात करें तो संविधान में देखो आपकी प्रस्तावना है, अपने मूल अधिकार है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व है, इनमें सामाजिक न्याय की बात कही गई है। और प्रकृति जो है वो प्रकृति ये कहती है कि समाज में रहने वाले सभी लोग जो है वो क्या है, समान है, सभी व्यक्तियों को समान महत्व मिलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। इतनी बातें हो गई अपनी, अब बात करते हैं अपने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपने भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखो प्रावधानों में आपको मैं सारे प्रावधान अपने जब मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, वहां पर मैंने सारी चीजें आपको डिटेल से बताई, यहां पर सिर्फ संक्षिप्त रूप से बताऊंगा, आप डिटेल से अगर देखना चाहो तो वहां पर देख सकते हो। देखो प्रावधानों में पहला प्रावधान तो है अपने मूल अधिकार जो है, उन मूल अधिकारों में पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 14। देखो समानता का जो मूल अधिकार था, उस समानता के मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। मतलब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कानून जो है वो सभी के लिए क्या है, समान है। कोई अमीर नहीं है, कोई निर्धन नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ही अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, इनके आधार पर किसी प्रकार का व्यक्तियों के साथ में कोई क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ये भी प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 जो है, इसमें अपने क्या कहा गया है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के क्या दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। अर्थात यह किसकी बात हो गई, अवसर की समानता हो गई, लेकिन जो SC ST OBC है उन वर्गों को, पिछड़ी जातियों को जो है वो क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। यह भी अपने किसको दर्शा रहा है, सामाजिक न्याय को दर्शा रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 जो है, इस अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। मतलब किसी प्रकार की जो पिछड़ी जातियां है, SC ST है, उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें जाति सूचक शब्दों से नहीं पुकारा जाएगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए ही अनुच्छेद 18 जो है, इसमें किसका अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। क्योंकि अगर व्यक्ति उपाधि लेंगे तो समाज में सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी, सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी। इसलिए अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति एक तो सेना और दूसरी शिक्षा, इन दो क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि का प्रयोग अपने नाम के साथ में नहीं करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 23, इस अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम, या अपनी भाषा में कह दे कि बेगार का भी क्या किया गया है, विरोध किया गया है। अर्थात बेगार पर भी क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है कि गरीब या किसान, स्त्री, मजदूर, इनसे आप क्या नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते। बेगार का मतलब बिना मजदूरी के कार्य, क्लियर है। इसके अलावा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ही अपने अनुच्छेद 24 जो है, इसमें बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बाल श्रम का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप कारखानों में या फिर खानों में या फिर जोखिम भरे जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में क्या नहीं करवा सकते, कार्य नहीं करवा सकते। इसके अलावा अनुच्छेद 29 जो है, उस अनुच्छेद 29 और 30 में अपने शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का भी क्या है, अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 जो है, वो अपने किसका उल्लेख करता है, निर्वाह मजदूरी का उल्लेख करता है, निर्वाह
मजदूरी, देखो ये सारी चीजें मेरी डिटेल से बताई हुई है, आप पीछे जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं मैं आप आराम से देख सकते हो। आपको सिर्फ ये आर्टिकल ही याद रखने हैं कि कौन से प्रावधान में कौन सी बात कही गई है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। इसके अलावा अपने आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 उसमें सम्मान व्यवहार संहिता की बात कही गई है। सम्मान व्यवहार मतलब सभी व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए, सम्मान व्यवहार किया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 जो है इसमें SC ST या अपने जो पिछड़े वर्ग है उनकी शिक्षा और उनकी उन्नति के ऊपर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। इसके अलावा सबसे मेन अनुच्छेद 21 है के जो आपके मूल अधिकारों में, इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। और यह मूल अधिकार जो है वो कब से लागू हो गया, अपने 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया, लागू भी हो गया। ये मूल अधिकार भी है और साथ साथ में मूल कर्तव्य भी है। ठीक है, तो ये था अपने आज का टॉपिक जिसमें अपने किसकी बात की, सामाजिक न्याय की। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने बात करेंगे आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण की। क्लियर है इतनी बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।